गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दो दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। बंगाल में सियासी उठापटक के बीच अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे से अमित शाह वहां जनता से संवाद करेंगे। वहीं टीएमसी के असंतुष्ट कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की भी खबर है। इनमें पूर्व मंत्री और विधायक शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल है। शुभेंदु अधिकारी आज अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। अमित शाह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इस दौरान वहां शुभेंदु अधिकारी और अन्य टीएमसी के बागी नेता मौजूद होंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान 7-8 टीएमसी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा कई पंचायत सदस्य और 10,000 कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल होंगे। इसके अलावा अमित शाह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। जब अमेरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही वाक्य से सनातन धर्म के विश्व बंधुत्व की व्याख्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया था कि 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करें तो ये देश जागृत हो जाएगा। और उसके ठीक 50 साल बाद भारत की आजादी मिली थी। और मैं आज यहां आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहां से प्राप्त कर मैं जा रहा हूं। और मैं आज भी मानता हूं कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।